तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि प्ले स्टोर पे आपको व्हाट्सअप का व्हाट्सअप तो डाउनलोड हो जाएगा, बाकी उस पर अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो प्ले स्टोर से अपडेट ना करके डाउनलोड ना करके गूगल क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ सर्च करेंगे एंड्रॉयड व्हाट्सअप, ठीक है, एंड्रॉयड व्हाट्सएप, ठीक है, ये सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं पहला वाला जो आ रहा है सब, इस पर क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कि इसको एंड्रॉयड व्हाट्सएप पे ही क्लिक करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड आ गया, इसका जो वर्ज़न है 2.18.339 ये इसका वर्ज़न है। और जो मिनिमम है आपके मोबाइल की वो एंड्रॉयड OS 2.33 कम से कम होना चाहिए, और या उससे ऊपर का भी होगा चलेगा, ठीक है। और ये जो है व्हाट्सएप स्टिकर फीचर आपके टैबलेट पे और किसी और भी व्हाट्सएप वेब पे भी काम ना करे, ठीक है। तो इसको डाउनलोड पे यहाँ क्लिक कर लेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी शायद डाउनलोड होगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी। दोस्तों ये फाइल है और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी इसको डाउनलोड हमने किया है, ठीक है। अब इसको हम चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया, 2-3 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद जो इंस्टॉल करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है आपको ये मालूम ही है, ठीक है। चलिए फिर भी एक बार आप देख लीजिए, नहीं मालूम है तो यहाँ पे व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन पे अलाउ करेंगे, ठीक है, ये सारे अलाउ करेंगे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट वगैरह, और जिस भी नंबर पे आपको व्हाट्सएप चलाना है व्हाट्सएप स्टिकर, उस नंबर को आप यहाँ एंटर कर देंगे, ठीक है, सॉरी। चलिए ये हमने अपने नंबर डाल दिया। नंबर को डालने के बाद ओके करेंगे, एक यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। और चलिए यहाँ कॉल मी करते हैं, ये वेरीफाई हो गया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है, चलिए हम इसको भी कर लेते हैं। 2-स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है फिर कभी मैं आपको बता दूँगा। चलिए अभी फ़िलहाल हम इसको बैकअप नहीं लेंगे, इसको स्किप करते हैं, रिस्टोर स्किप, नाम वगैरह छोड़ देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हमारा व्हाट्सएप जो है पूरा इंस्टॉल हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। अब व्हाट्सएप इंस्टॉल हो गया, अब चलिए यहाँ पे हम कुछ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप स्टिकर आया कि नहीं है। तो व्हाट्सएप स्टिकर चेक करने के लिए किसी भी एक व्हाट्सएप खोलेंगे, किसी का भी एक व्हाट्सएप, और यहाँ पे आप जो इमोजीज देख रहे हैं इस पर टच करेंगे, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि जिफ और इमोजी ये दो चीज़ें, तीसरा टच करते देखिए आ गया ये व्हाट्सएप स्टिकर। तो अभी जो आप देख सकते हैं कि मेरे पास व्हाट्सएप में कोई स्टिकर नहीं है सिवाय इन कप्स के, तो बाकी स्टिकर कहाँ से आएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे, और प्लस के निशान पे क्लिक करते ही यहाँ पे सारे स्टिकर आ जाएंगे। आप चाहें तो जो भी स्टिकर यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है, जो भी अच्छा लगे। और लगता है कि नहीं आपके पास यहाँ स्टिकर नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, तो थोड़ा सा इसको स्वाइप नीचे करेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है गेट मोर स्टिकर्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो चाहें स्टिकर यहाँ से अगर आपको पसंद आते हैं चाहे तो व्हाट्सएप स्टिकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं अगर सर्च करते बाकी यहाँ से जितना स्टिकर चाहें देख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकेंड व्हाट्सएप पे भी स्टिकर फीचर इनेबल हो गया है, ठीक है। अगर आप वन प्लस यूज़र हैं तो आपको पता है कि सेकेंड व्हाट्सएप कैसे आएगा। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे। यूटिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे होंगे थर्ड नंबर पे पैरलर ऐप्स को, ठीक है, उस पैरलर ऐप पे क्लिक करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने पैरलर ऐप्स में जाके उसको हमने ऑन कर दिया है, और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। सेम प्रोसेस है, लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ से आप कुछ भी कोई मैसेज खोलें, इमोजी पे क्लिक कीजिए, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टिकर फीचर यहाँ भी इनेबल हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप वन प्लस यूज़र हैं, अगर आपने अपने फ़ोन को अपडेट नहीं किया है, लास्ट अपडेट कल का जो आया था, ठीक है, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो फटाफट जाके उसको अपडेट कीजिए। अपडेट करने से बस आपके मोबाइल में नाइट स्केप मोड जो है वो इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिड स्टूडियो लाइटिंग इनहेंस फेस कॉन्टोर, तो मैंने इसको अपडेट कर लिया था, 352 MB का अपडेट आया था। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अपडेट करने के बाद कैमरे में यहाँ फीचर में चेंज किया जा सकता है, वीडियो, फ़ोटो, पोर्ट्रेट
और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नाइट मोड, इसको वन प्लस ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। ठीक है, इसके में एक शायद ख़राबी कह दें कि आप इसको जूम नहीं कर सकते। नाइट स्केप मोड जो इनेबल किया गया है, इस पर आप किसी भी तरह के जूम इन नहीं कर सकते। तो क्यों गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने अगर यहाँ से वीडियोस वगैरह नहीं देखें तो वो वीडियो सीधा के देखिए फटाफट। तो क्यों गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।